हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ऊपर से रोहित ने मारा, नीचे से पोलार्ड ने पीटा और इन दोनों के बल्ले से आई आंधी के बीच में फंस गई किंग्स इलेवन पंजाब की टीम। मुंबई के 21 रन पर दो विकेट गिर गए थे, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने पारी को संभाल लिया। शुरुआत थोड़ी धीमी जरूर रही, लेकिन इसके बाद गाड़ी पांचवें गियर पर दौड़ी। रोहित ने 40 गेंद पर अर्धशतक लगाया। अर्धशतक पूरा होते ही रोहित ने एक ओवर में 20 रन बना दिए। रोहित ने 45 गेंद पर 70 रन की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 3 छक्के लगाए। रोहित शर्मा ने आईपीएल में 5000 रन भी पूरे किए। ऐसा करने वाले वो विराट और रैना के बाद तीसरे बल्लेबाज हैं। रोहित के बाद पोलार्ड और हार्दिक के बल्ले का तूफान आया। आखिरी 5 ओवर में हार्दिक और पोलार्ड ने 89 रन जोड़े। वहीं आखिरी ओवर में इन दोनों ने 25 रन बना दिए। पोलार्ड ने 20 गेंद पर नाबाद 47 रन बनाए, 3 चौके और 4 छक्के लगाए, जिसकी वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। हार्दिक ने 11 गेंद पर नाबाद 30 रन जोड़े, 3 चौके और 2 छक्के उड़ाए। इन पारियों के दम पर मुंबई ने 192 रन का बड़ा लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में पंजाब शुरू से ही लड़खड़ाती हुई दिखी। टूर्नामेंट के हीरो केएल राहुल और मयंक अग्रवाल भी सस्ते में आउट हो गए। 105 रन के स्कोर पर पहुंचते पहुंचते पंजाब के 5 विकेट गिर गए थे और मैच उनके हाथ से निकल गया। केएल राहुल ने 17 रन बनाए, मयंक अग्रवाल 25 रन पर पवेलियन लौट गए। करुण नायर तो खाता भी नहीं खोल पाए। निकोलस पूरन ने 44 रन बनाए, वहीं मैक्सवेल 11 रन पर ढेर हो गए। मुंबई की तरफ से जसप्रीत बुमराह, जेम्स पैटिनसन और राहुल चहर ने 2-2 विकेट लिए और टीम की जीत में अहम योगदान निभाया।